हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक लिनक्स कमांड्स देखने वाले हैं। लिनक्स कमांड्स आपको कौन से भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए फायदेमंद हो सकती है, जिसमें mkdir, chmod, passwd जैसे इंपॉर्टेंट कमांड्स मैंने बताया। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या BCS के स्टूडेंट्स BCS स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। ये वीडियो देखने के बाद आपको chmod, passwd या cpmv जैसी कमांड्स आपको बहुत ही इजी लगेगी। ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैंने यहाँ पे कमांड्स लिस्ट किए हैं, लास्ट में मैंने chmod और passwd कमांड भी बताई है, जो कि बहुत ही फायदेमंद हो सकती है आप सबके लिए। तो चलिए देखते हैं कमांड वन बाय वन। मैं यहाँ पे एक नया टर्मिनल ओपन कर देता हूँ। उस टर्मिनल में मुझे सभी कमांड्स यहाँ पे जो भी कमांड्स फायर की दी हुए वो कमांड्स फायर करनी है। यहाँ पे हमें फर्स्ट एक डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए आपको mkdir कमांड फायर करनी है। mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी, mkdir। मुझे डायरेक्टरी का नाम जो भी डालना है वो डायरेक्टरी का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं यहाँ पे nrc नाम से एक डायरेक्टरी बनाना चाहता हूँ, तो nrc1 नाम से मैंने एक डायरेक्टरी यहाँ पे बनाई। तो डायरेक्टरी आपको अगर चेक करनी है तो लिस्ट करके आप देख सकते हो, यहाँ पे nrc1 नाम की एक डायरेक्टरी बन चुकी है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टरी आप फोल्डर में जाके भी बना सकते हो, राइट क्लिक करके, जैसे कि आप विंडोज में डायरेक्टरीज बनाते हो। अगर आपको डायरेक्टरी बनानी है तो क्रिएट न्यू फोल्डर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी बना सकते हो, लेकिन ये मुझे लेंथी प्रोसेस लगता है। राइट क्लिक करो, यहाँ पे क्रिएट न्यू डायरेक्टरी, यहाँ पे फोल्डर का नाम डालो। इसकी ये प्रोसेस फॉलो करने के बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्टली mkdir करता हूँ और फोल्डर नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। मेरी यहाँ पे डायरेक्टरी सिंपल क्रिएट हो गई। जो भी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है वो डायरेक्टरी हमारे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब प्रेजेंट वर्किंग जो भी पाथ है आपका, उस प्रेजेंट वर्किंग पाथ में हमारा वो फोल्डर बन जाएगा। तो हम मेक डायरेक्टरी से डायरेक्टरी बना सकते हैं mkdir कमांड से। अगर आपको कोई कमांड समझ में नहीं आ रही है तो मैं यहाँ पे एक कमांड यहाँ पे एक ऐड कर देता हूँ हमारे लिस्टिंग में, मैन कमांड। मैन कमांड मतलब मैनुअल पेजेस होते हैं लिनक्स के। अगर आपको कौन सी कमांड समझ में नहीं आ रही है तो आप मैनुअल पेजेस यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मुझे सपोज mkdir कमांड इस्तेमाल कैसे करना है वो मालूम नहीं है, तो आप यहाँ पे मैन mkdir कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे mkdir का यूज क्या है, मेक डायरेक्टरीज, mkdir ऑप्शन और डायरेक्टरी, ऐसा उसका सिनॉप्सिस और उसका डिस्क्रिप्शन विथ मोड और ऑप्शन यहाँ पे पूरा उसके मैनुअल पेज में पूरा यहाँ पे दिया हुआ होता है। हर एक कमांड के लिए आपको यहाँ पे रेफरेंस मिल ही जाएगा, हर एक कमांड का लॉन्ग फॉर्म और वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए कौन से ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो पूरा यहाँ पे आपको मैनुअल पेजेस में दिया हुआ होता है। तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपको कौन सी कमांड समझ में नहीं आ रही है तो सिंपल आपको उस कमांड का मैनुअल पेज एक्सेस करना है। जैसे कि मुझे सपोज cp कमांड मालूम नहीं है, तो cp फॉर कॉपी कमांड होती है, हम वो भी देखने वाले हैं। तो मैं मैन cp यहाँ पे कर रहा हूँ। तो cp कॉपीज फाइल एंड डायरेक्टरीज, मतलब cp कमांड एक फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कॉपी करने के लिए होती है, और वो उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो यहाँ पे दिया हुआ होता है। ऑप्शंस कौन से इस्तेमाल करते हैं, -h -l, हर एक के लिए आप अलग अलग आप ऑप्शंस इस्तेमाल करके आपको ये कमांड्स आप यूज कर सकते हो। ये पूरे यहाँ पे मैनुअल पेजेस हर एक कमांड के लिए होते हैं, तो आप वो इस्तेमाल करके हर एक कमांड आप अच्छे से समझ सकते हो। तो हमारी पहली कमांड थी mkdir। हमारी सेकंड कमांड है मैनुअल, जो भी मैंने आपको यहाँ पे अभी मैन कमांड बताई। उसके बाद cd कमांड है। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। अब भी हमने एक डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर बनाया nrc2 और nrc1 करके। nrc2 में मुझे सपोज अभी मूव होना है, मतलब हम जैसे कि विंडोज में डबल क्लिक करके फोल्डर ओपन करते हैं, लेकिन अगर आपको वैसे ही, मैं अभी जो काम कर रहा हूं तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मेरी लिनक्स कमांड है, मतलब होम में लिनक्स कमांड में nrc2 में मैं यहां पे अभी काम कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको यहां टर्मिनल से उस डायरेक्टरी में अगर मूव करना है तो आपको cd
लिनक्स कमांड, ये मेरी डायरेक्टरी है लिनक्स कमांड, हम लिनक्स कमांड में मूव हो गए। अभी मुझे एनआरसी में मूव होना है तो चेंज डायरेक्टरी टू एनआरसी टू, यहां पे जो भी आपको यहां पे दिख रहा है मतलब स्लैश लिनक्स कमांड स्लैश एनआरसी टू, मतलब आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी का पाथ पीडब्ल्यूडी, यहां पे होम एनआरसी लिनक्स कमांड्स, यहां पे एनआरसी टू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आप अलग सी डायरेक्टरी में मूव हो चुके हो, मतलब आप अब अगर आप यहां पे अगर कोई फाइल बनाते हो, मतलब सपोज अगर मैंने यहां पे try.txt नाम की एक फाइल बनाई, तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी इस एनआरसी टू फोल्डर में, यहां पे हमें वो दिखाई दे रही है। मुझे यहां पे अगर मुझे इस डायरेक्टरी से फिर से लिनक्स कमांड्स डायरेक्टरी में जाना है, जैसे कि हम यहां पे लिनक्स कमांड्स इस डायरेक्टरी में आए सिर्फ सिंपल क्लिक करके, अगर टर्मिनल से मुझे जाना है तो सीडी स्पेस डॉट डॉट देना होता है। तो इस डॉट डॉट का मीनिंग होता है कि पैरेंट डायरेक्टरी। अगर आपको पैरेंट डायरेक्टरी में जाना, मतलब एनआरसी टू का पैरेंट, एनआरसी टू की पैरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, तो लिनक्स कमांड्स है। अगर उस लिनक्स कमांड्स में आपको जाना है तो डॉट डॉट करने के बाद आप जा सकते हो। फिर से मैं अगर डॉट डॉट करूंगा तो लिनक्स कमांड्स की पैरेंट डायरेक्टरी कौन सी है, तो होम डायरेक्टरी है, तो होम डायरेक्टरी में हम जंप कर रहे हैं। तो ऐसे सीडी कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे लिनक्स डायरेक्टरी में जाना है तो सीडी लिनक्स डायरेक्टरी, हम एक साथ मल्टीपल फोल्डर्स भी लिख सकते हैं यहां पे सीडी लिनक्स कमांड्स, लिनक्स कमांड्स में मुझे एनआरसी टू में जंप करना है तो एनआरसी टू, ऐसे भी हम यहां पे लिख सकते हैं। हमारी नेक्स्ट कमांड है पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, इसका मैनुअल पेज भी हम चेक कर सकते हैं यहां पे। मैन पीडब्ल्यूडी मैंने डाला यहां पे प्रिंट नेम ऑफ करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी आप अभी वर्किंग कर रहे हो उस डायरेक्टरी में, उसका नाम पीडब्ल्यूडी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कौन से डायरेक्टरी हायरार्की में काम कर रहे हो, तो आपको ये पीडब्ल्यूडी कमांड बहुत ही फायदेमंद हो सकती है। पीडब्ल्यूडी मतलब पासवर्ड नहीं, पीडब्ल्यूडी मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब आप किस डायरेक्टरी में कौन से पाथ में अभी आप काम कर रहे हो, अगर वो आपको देखना है तो आप पीडब्ल्यूडी सिंपल कमांड फायर करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीडब्ल्यूडी करने के बाद मुझे होम एनआरसी लिनक्स कमांड्स में एनआरसी टू में मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये मुझे समझ में आया। उसके बाद कमांड है आरएम। आरएम कमांड रिमूव के लिए होती है, ये बहुत ही सोच समझ के आप कमांड इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आरएम कमांड से आप जो भी फाइल डिलीट करते हो, रिमूव करते हो, वो फाइल शिफ्ट डिलीट होती है। शिफ्ट डिलीट मतलब आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते, आरएम कमांड रिमूव के लिए होती है। तो मुझे सपोज अभी हमने यहां पे एक try.txt फाइल बनाई है, वो मुझे रिमूव करनी है, तो आरएम try.txt, आरएम try.txt मुझे ये फाइल रिमूव करनी है, तो यहां पे सिंपल रिमूव। मैं फिर से अगर लिस्ट करूंगा तो मुझे यहां पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब हमारे try.txt रिमूव हो चुकी है। अगर आपको कौन सी फाइल अगर आपने क्रिएट की है कहीं पे वो ओपन है, आपको फोर्सफुली अगर क्लोज करनी है तो या रिमूव करनी है, तो आरएम -f इज फॉर फोर्सफुली रिमूवल ऑफ अ फाइल। अगर मैं सपोज try.txt यहां पे डालता जो भी अभी नहीं है, मुझे यहां पे एरर देगी, लेकिन -f ए ऑप्शन आपको वो फाइल जो भी आपने दी है वो फाइल आपको फोर्सफुली रिमूव करके वो आपको मैसेज देता है कि ये फाइल रिमूव हो चुकी है। आरएम कमांड इस्तेमाल करते समय बहुत ही आपको सावधानता रखनी है, क्योंकि आरएम कमांड से जो भी आप फाइल डिलीट करते हो वो फाइल आप इजीली रिकवर नहीं कर सकते, उसके लिए रिकवरी टूल्स आपको इस्तेमाल करने होते हैं, क्योंकि वो ट्रैश फोल्डर में आपको नहीं मिलेगी। बाद में एमवी कमांड है। तो दोस्तों एमवी कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। एमवी कमांड्स के दो सिंटैक्सेस है। एमवी कमांड आपको फोल्डर्स या फाइल्स मूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, और एमवी कमांड आप फाइल को या फोल्डर को रीनेम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसके दो अलग अलग सिंटैक्सेस है। जो भी सिंटैक्स आप प्रॉपर अलग है उसका वो मीनिंग वहां पे लिया जाएगा। जैसे कि मैं यहां पे एक फाइल बनाता हूं, यहां पे मैं abc.txt फाइल बना रहा हूं, यहाँ पे ls करके यहाँ पे देखेंगे abc.txt फाइल बन चुकी है। मुझे इस abc.txt फाइल का नेम चेंज करना है,
तो नेम अगर चेंज करना है तो रिनेम नाम की ऐसी कोई कमांड नहीं है। एमवी कमांड आप रिनेम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो एमवी ओल्ड फाइल नेम मतलब abc.txt ओल्ड फाइल नेम, और मुझे इसी फाइल को df अगर ऐसा नाम देना है तो df.txt मैंने यहां पे दे दिया। मतलब इसका सिंटैक्स समझ भी लो आप, एमवी स्पेस ओल्ड फाइल नेम स्पेस न्यू फाइल नेम, यहाँ पे abc.txt हमारे पास पहले से ये फाइल यहाँ पे मौजूद है और फोल्डर में, उसी abc.txt को हमें df.txt ऐसा नेम देना है। तो मैं जब भी एंटर करूंगा तो हमारे पास जो भी abc.txt फाइल थी उसका नाम अभी df.txt हो चुका है। अगर mv कमांड आप दो फाइल नेम्स के साथ या फोल्डर के साथ इस्तेमाल करते हो तो अगर ए फर्स्ट फाइल एग्जिस्ट होगी तो उस फाइल को या उस फोल्डर को ये दूसरा नाम दिया जाएगा। मतलब एमवी कमांड आप रिनेम के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। उसके बाद एमवी कमांड का दूसरा यूज है मूव डायरेक्टरी। जैसे कि हमें विंडोज में एक फोल्डर कट करना या फाइल कट करनी है और दूसरी जगह पे पेस्ट करनी है, वैसे ही हम यहाँ पे कट पेस्ट अगर करना है तो यहाँ पे मूव कमांड आप इस्तेमाल कर सकते हो, एमवी कमांड। तो मुझे सिंपल df.txt ये फाइल मूव करनी है डॉट डॉट मतलब पैरेंट डायरेक्टरी में जो nrc1 नाम का फोल्डर है उस फोल्डर में मुझे मूव करनी है। डॉट डॉट मतलब पैरेंट डायरेक्टरी मतलब लिनक्स कमांड /nrc1 में वो मुझे फाइल मूव करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे ls करूंगा तो ये फाइल मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। तो ये फाइल गई कहाँ पे है मतलब कट पेस्ट कहाँ पे हुई है, तो यहाँ पे लिनक्स कमांड्स में nrc1 नाम का भी एक फोल्डर है उसमें यहाँ हमारे df.txt हमारी मूव हो चुकी है। मतलब यहाँ पे nrc2 में जो फाइल थी यहाँ पे हमने कट कर दी और यहाँ पे हमने nrc1 में वो फाइल पेस्ट कर दी। इसके लिए सिंपल हमें कमांड फायर क्या करनी है, पहला तो सिंपल अगर मूव कमांड में हम एमवी फाइल नेम मतलब df.txt और उसके बाद अगर हम यहाँ पे पाथ देते हैं तो क्या होता है, ये फर्स्ट फाइल या फर्स्ट फोल्डर इस लोकेशन को कट पेस्ट हो जाता है। मतलब अगर एमवी कमांड को फर्स्ट पैरामीटर फाइल या फोल्डर का नाम है और लास्ट पैरामीटर, मैं लास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स कट पेस्ट कर सकते हो, तो पहले जो भी आपके पास हमने फाइल का लिस्टिंग या फोल्डर का लिस्टिंग दिया हुआ है वो फाइल या फोल्डर का लिस्टिंग सेकंड पैरामीटर में आपने जो भी पाथ पास किया हुआ है उस पाथ पे वो कट पेस्ट हो जाएगा। लास्ट का जो भी पैरामीटर होता है वो अगर पाथ होगा तो मूव कमांड कट पेस्ट जैसा वर्क करती है। तो मूव कमांड के लिए आपको दो सिंटैक्सेस ध्यान में रखना है। उसके बाद सीपी कमांड है, सीपी कमांड मतलब कॉपी हमें करना है। तो कॉपी का मतलब आपको सिंपल दोनों जगह पे अगर आपको फाइल्स रखनी है तो आप कॉपी पेस्ट करते हो, अगर एक ही जगह पे फाइल रखनी है तो आप कट पेस्ट करते हो, मतलब आपको मूव कमांड इस्तेमाल करनी होती है। मैं यहाँ पे सिंपल और एक फाइल यहाँ पे बनाता हूँ touchxyz.txt में, यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, यहाँ पे आपको यहाँ दिखाई देगी nrc2 में मैंने ये फाइल बनाई है। यहाँ पे लिनक्स कमांड्स में nrc2 नाम का फोल्डर है, यहाँ पे xyz.txt बन चुकी है। तो xyz.txt फाइल मुझे पैरेंट डायरेक्टरी में जो nrc1 नाम का फोल्डर है उसमें भी कॉपी करनी है, तो मैंने यहाँ पे वो कॉपी पेस्ट कर दी। तो xyz.txt फाइल nrc1 में पेस्ट हो चुकी है, nrc1 में xyz.txt फाइल पेस्ट हो चुकी है। तो ये आप कमांड से कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स एट ए टाइम कॉपी पेस्ट करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसके लिए आपको सिंपल सीपी के बाद में जितने भी फाइल्स आपके पास है xyz.txt उसके बाद abc.txt जितने भी फाइल्स आपके पास है वो सभी फाइल्स आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो, और जहाँ पे भी मूव करना है आपको तो /var/www या जिस जगह पे आपके वो मूव करना है उसका आपको पाथ वहाँ पे सेकंड पैरामीटर एज अ पास करना है, तो आपके सभी फाइल्स या फोल्डर्स उस लास्ट पाथ में पेस्ट हो सकते हैं। तो ये थी हमारी कॉपी कमांड। उसके बाद लोकेट कमांड है।
तो दोस्तों लोकेट कमांड का इस्तेमाल आप कौन सी भी फाइल या कौन सा भी फोल्डर पूरे सिस्टम में कहां पे स्टोर किया हुआ है उसका पाथ अगर आपको फाइंड करना है या फिर आपको सर्चिंग करना है तो आप लोकेट कमांड इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे सपोज टॉमकैट 6 डायरेक्टरी सर्च करनी है, टॉमकैट 7 डायरेक्टरी मैंने कहां पे रखी है वो मुझे सपोज सर्च करनी है, तो आप यहां पे सिंपल लोकेट टॉमकैट 7 मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं, तो टॉमकैट 7 डायरेक्टरी जिस जगह पे है जिस जगह पे है मल्टीपल लोकेशंस में है वो सभी लोकेशंस आपको यहां पे रिटर्न हो सकते हैं, तो सभी लोकेशंस आपको यहां पे रिटर्न हो रहे हैं। अगर मुझे सपोज पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी है तो मुझे सपोज xyz.txt फाइल सर्च करनी है तो xyz.txt फाइल मुझे लोकेट करनी है तो यहां पे मैं लोकेट कर रहा हूं, तो xyz.txt फाइल मेरी जावा फाइल में भी है, यहां पे फाइल हैंडलिंग में भी है या वर्चुअल नोटिस बोर्ड जावा में नोटिस xyz फाइल भी है, जितने भी पॉसिबल लोकेशंस आपको यहां पे मिलते हैं वो सभी लोकेशंस पे आपको xyz.txt के लोकेशंस मिल रहे हैं एक्सेप्ट nrc2। अगर मैं फाइंड करता हूं xyz.txt तो मुझे करंट डायरेक्टरी में सर्चिंग हो रही है। मतलब यहां पे दो कमांड आप ध्यान में रखिए, लोकेट कमांड आपके पूरे सिस्टम में ये फाइल या फोल्डर जो भी आप ऑप्शन में डाल रहे हो वो पूरे सिस्टम में सर्च करके आपको रिजल्ट रिटर्न करता है एक्सेप्ट द पाथ यू आर वर्किंग, और फाइंड कमांड आप जहां पे काम कर रहे हो मतलब आपका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो भी है उस करंट डायरेक्टरी में आपको अगर सर्चिंग करना है तो फाइंड आपको लोकेट करके देता है। तो आप यहां पे मैनुअल पेजेस भी देख सकते हो फाइंड का, सर्च फॉर फाइल्स इन अ करंट इन अ डायरेक्टरी हायरार्की मतलब आप जो जिसमें जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उस डायरेक्टरी में सर्चिंग करके आपको फाइंड वो फाइल या जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो उसका ऑकरेंस रिटर्न करेगा। तो ये थी फाइंड और लोकेट कमांड। आपको अगर सर्चिंग करना है, आपको अगर फाइल्स या फोल्डर्स या मूवीज जो कुछ भी आपका डेटा अगर सर्च करना है तो आप लोकेट कमांड से कर सकते हो, लोकेट और फाइंड कमांड से कर सकते हो। उसके बाद कैट कमांड का बहुत सारे यूजर्स है। कैट कमांड से आपको अगर पर्टिकुलर फाइल के कंटेंट्स आपको टर्मिनल पे डिस्प्ले करने हैं तो कैट xyz.txt आप यहां पे लिख सकते हो। xyz.txt में जो भी कंटेंट होंगे वो कंटेंट सभी हमारे यहाँ टर्मिनल पे आ चुके होते, लेकिन xyz.txt में हमारे पास अभी कुछ नहीं। xyz.txt फाइल में अगर आपको कैट कमांड से कंटेंट ऐड करने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। मुझे xyz.txt में कंटेंट पास करना है तो xyz.txt यहाँ पे हमने डबल ग्रेटर देन साइन इस्तेमाल किया, उसके बाद xyz.txt ऐड किया, मैं यहाँ पे उसमें दिस इज लाइन वन दिस इज लाइन टू ये दो लाइन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। इसका मतलब कैट कमांड से हमने xyz.txt फाइल में ये दो लाइन्स हमने ऐड कर दी। अगर वो आपको देखनी है तो कैट कमांड से सिंपल xyz.txt करो, आपको वहां पे वो दो लाइन मिल सकेगी, या फिर आपको VIM एडिटर से xyz.txt फाइल देखनी है तो आप वैसे भी देख सकते हो। मतलब कैट कमांड से आप ऑन टर्मिनल फाइल्स या नंबर ऑफ लाइंस उस कमांड में उस फाइल में आप वो ऐड कर सकते हो, लाइंस नंबर ऑफ लाइंस ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने दिस इज लाइन वन दिस इज लाइन टू टाइप किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद मुझे फिर से टर्मिनल मिला। इसका मतलब कंट्रोल डी से कैट कमांड एग्जिट होती है। कैट कमांड का दूसरा यूज है अगर आपको एक फाइल का आउटपुट दूसरे फाइल में रिडायरेक्ट करना है तो भी आप कर सकते हो। मुझे यहाँ पे पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ टच pqr.txt मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी। तो कैट कमांड का यूज कैट xyz.txt इसके कंटेंट जो भी है xyz.txt के वो कंटेंट मुझे pqr.txt में ऐड करने। तो यहाँ पे हम देखेंगे
pqr.txt, pqr.txt में जो कंटेंट हमारे xyz.txt में थे वो सभी कंटेंट pqr.txt में मूव हो चुकी है। कैट कमांड से आप मल्टीपल फाइल का आउटपुट एक लास्ट फाइल में ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे xyz.txt, pqr.txt और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल .txt ये नाम की फाइल मैं बनाना चाहता हूँ। तो xyz.txt, pqr.txt में जो भी कंटेंट है, जितने भी कंटेंट है, वो सभी कंटेंट मुझे न्यू फाइल 1.txt में ऐड करने हैं। तो मैं न्यू फाइल 1.txt नई बना रहा हूँ और उसमें उस दोनों फाइल्स के कंटेंट, मतलब xyz.txt के और pqr.txt के कंटेंट यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो मल्टीपल फाइल का आउटपुट अगर आपको सिंगल फाइल में रिडायरेक्ट करना है तो आप कैट कमांड इस्तेमाल कर सकते हो। कैट ये मल्टीपल फाइल्स, आपको जितने फाइल्स यहाँ पे देने उतने फाइल्स आप दे सकते हो स्पेस से सेपरेट करके। लास्ट में आप, मैंने यहाँ पे सिंगल ग्रेटर दैन इस्तेमाल किया है। सिंगल ग्रेटर दैन और डबल ग्रेटर दैन में ये फर्क है कि अगर आप सिंगल ग्रेटर दैन इस्तेमाल करते हो तो इस फाइल में प्रीवियस कंटेंट अगर होंगे तो वो प्रीवियस कंटेंट ओवरराइट होते हैं, और अगर आप डबल ग्रेटर दैन इस्तेमाल करते हो तो न्यू कंटेंट अपेंड होते हैं। मतलब अगर आपको प्रीवियस कंटेंट प्रिजर्व करना है तो आप डबल ग्रेटर दैन इस्तेमाल करो, अगर आपको लास्ट मतलब ओल्ड कंटेंट नहीं चाहिए होंगे तो आप सिंपल सिंगल ग्रेटर दैन इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी कैट कमांड। उसके बाद टच कमांड, जो मैंने अभी तक यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल किए। टच कमांड से सिंपल आपको अगर फाइल क्रिएट करनी है, एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, तो टच और फाइल नेम आप यहाँ पे दे सकते हो। आप टच से मल्टीपल फाइल्स यहाँ पे एट ए टाइम बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइल 1.txt बनाई है, मुझे फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.txt, ऐसे मल्टीपल फाइल्स अगर बनानी है तो मैं यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स एट ए टाइम टच कमांड से बना सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों ls कमांड्स के वेरिएशंस आपको मालूम होने चाहिए। तो सिंपल, जैसे कि आपको यहाँ पे मालूम है, ls कमांड में बहुत बार यहाँ पे इस्तेमाल कर चुका हूँ या कर रहा हूँ। तो ls कमांड से हमें लिस्टिंग होता है सिंपल। ls-a से अगर आपने कोई हिडन डायरेक्टरी बनाई होगी या हिडन डायरेक्टरी या हिडन फाइल आपके फोल्डर में होगी तो वो हिडन फाइल या डायरेक्टरी आपको यहाँ पे दिखाई देती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ls-a करने के बाद मुझे यहाँ पे डॉट और डबल डॉट यहाँ पे दो फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। ये डॉट और डबल डॉट फोल्डर, डॉट मतलब प्रेजेंट डायरेक्टरी, डबल डॉट मतलब पैरेंट डायरेक्टरी, इन दोनों के भी इंस्टेंसेस हमारे करंट डायरेक्टरी में होते हैं। डॉट और डबल डॉट ये दोनों हिडन फोल्डर्स यहाँ पे होते हैं, उसके लिए यहाँ पे हमें ये दिख रहे हैं। अगर मुझे हिडन फोल्डर बनाना है तो सिंपल mkdir डॉट हिडन फोल्डर, मतलब मैं यहाँ पे सपोज इंपॉर्टेंट, मेरा एक इंपॉर्टेंट क्या पर्सनल नाम का मुझे एक फोल्डर बनाना है, पर्सनल नाम का मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। यहाँ पे मैं सिंपल ls अगर करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं देगा, या फिर मैं फोल्डर में जाके nrc2 में देखूंगा तो भी मुझे यहाँ पे पर्सनल नाम का फोल्डर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि लिनक्स में अगर आपको हिडन फोल्डर्स बनाने होते हैं या हिडन फाइल्स आपको अगर बनाने होते हैं तो डॉट से अगर आप उसका नेम सेट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट हिडन हो जाता है। अगर मुझे यहाँ पे ls से वो दिखाई नहीं देगा या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आप अगर फोल्डर में जाके देखोगे तब भी आपको वहां पे दिखाई नहीं देगा। तो हिडन फाइल्स देखने के लिए आपको ls-a कमांड फायर करनी होती है। तो ls-a से जितने भी हिडन फाइल्स या फोल्डर्स आपके करंट वर्किंग डायरेक्टरी में है वो आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो ls-a कमांड आप जरूर इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको वहाँ उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मिलने वाला है, या फिर आप उससे हिडन फाइल्स अगर कुछ होंगी आपके प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी में तो आपको मिल सकती है। तो यदि ls-a कमांड, तो ls के बहुत सारे वर्जन भी है, ls-l भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रॉपर आपको लिस्टिंग अगर करना है, उसकी परमिशंस अगर चेक करना है, जैसे कि यहाँ पे read write यूजर ग्रुप को आप यहाँ पे जो भी परमिशंस है वो परमिशंस कैसे चेंज करते हो हम देखने ही वाले हैं। लेकिन ls-l से प्रॉपर लिस्टिंग होता है, ग्रुप कौन सा है, यूजर कौन सा है, उसकी परमिशंस क्या है, मॉडिफिकेशंस डेट क्या है, क्रिएशन डेट क्या है, सभी यहाँ पे डिटेल आपको उस फोल्डर के जितने भी कंटेंट है उस फोल्डर में
सभी आपको रिटर्न होते हैं। तो ls hyphen l से आप प्रॉपर लिस्टिंग भी कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट कमांड है chmod, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। इस कमांड से आपको अगर कौन सी फाइल आपको लिमिटेड एक्सेस देना है आपको फ्रेंड को, या फिर आप अगर ग्रुप में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ग्रुप को एक्सेस पूरा देना है या अदर यूजर्स को एक्सेस रखना ही नहीं है, तो उसके लिए आपको chmod कमांड समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो chmod कमांड से आपको फोल्डर्स की या फाइल्स की परमिशंस अगर चेंज करनी है तो आपको chmod कमांड इस्तेमाल करनी होती है। chmod कमांड इस्तेमाल करने के लिए आपको स्पेशल ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी, जैसे कि विंडोज पे एडमिन या एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, आपको यहाँ पे रूट यूजर की जरूरत होगी chmod कमांड इस्तेमाल करने के लिए। Ubuntu में आपको सिंपल sudo से वो कमांड आप फायर कर सकते हो। तो दोस्तों chmod कमांड इस्तेमाल करने के लिए मैं जैसे बता रहा हूं आपको, chmod में अभी यहां पे xyz.txt फाइल को परमिशन यहां पे दिख रही है। परमिशन में हमें रीड राइट एग्जीक्यूट तीन टाइप के परमिशन होती है, रीड राइट और एग्जीक्यूट। रीड राइट राइट और एग्जीक्यूट, तो रीड के लिए वैल्यू होती है 4, राइट के लिए वैल्यू होती है 2 और एग्जीक्यूट के लिए वैल्यू होती है 1। तो समझ लीजिएगा, ये रीड के लिए 4, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1। इनका अगर आप एडिशन करोगे आपको टोटल मिलेगा 7। अगर मुझे रीड और एग्जीक्यूट यही परमिशन रखनी है तो मैं सिंपल 4+1 करूंगा, 4+1 मतलब रीड और एग्जीक्यूट। मुझे अगर राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन रखनी है तो सिंपल मैं 2 और 1 की परमिशन रख दूंगा। अगर मुझे सिंपल रीड की परमिशन रखनी है तो मैं सिंपल 4 वैल्यू रख दूंगा। लेकिन ए 4 2 1 अगर मैं 7 रख दूंगा तो यहाँ पे मुझे 7 एडिशन मिलेगी, मतलब आपको उस फोल्डर की या उस फाइल की रीड राइट और एग्जीक्यूट पूरी परमिशन है। आप उस फाइल के साथ कुछ भी कर सकते हो या उस फोल्डर के साथ कुछ भी कर सकते हो, मतलब वो कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें कंटेंट कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन यहाँ पे तीन अलग अलग यूजर्स के लिए या तीन अलग अलग टाइप के ऑथेंटिकेशन आपको तीन लेवल पे ऑथेंटिकेशन सेट करने होते हैं। पहले तो उस डायरेक्टरी या फाइल के यूजर के लिए, उसके बाद ग्रुप के लिए और उसके बाद अदर्स के लिए। तो ग्रुप, यूजर और अदर, अगर मुझे यूजर के लिए मतलब जो जिसने फाइल बनाई है या फिर जो भी करंट वो फाइल बना रहा है उसके लिए डिफॉल्ट परमिशन क्या सेट करनी है, तो यूजर, ग्रुप और अदर तीन के लिए आपको परमिशन सेट करनी होती, मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन यूजर को क्या देनी है, अदर को क्या देनी है और ग्रुप को क्या देनी है। सिक्वेंस ऐसा होता है, यूजर, ग्रुप एंड अदर। तो यहां पे मैं सिंपल xyz.txt की परमिशन आपको चेंज करके दिखाता हूं। तो chmod मुझे यूजर को सपोज रीड और एग्जीक्यूट की एक कमांड रखनी, रीड मुझे यूजर को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन रखनी है, तो रीड के लिए 4 प्लस एग्जीक्यूट के लिए 1 मतलब 5। ग्रुप के लिए मुझे सिर्फ रीड की परमिशन रखनी है मतलब 4, और अदर के लिए मुझे सिंपल एग्जीक्यूट की परमिशन रखनी है मतलब 1। chmod 5 4 1 मतलब यूजर के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट, अदर के लिए सॉरी यूजर के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट, ग्रुप के लिए सिंपल रीड एंड अदर के लिए एग्जीक्यूट। किस पे किसको ये परमिशन सेट करनी है, तो xyz.txt को सेट करनी है। एफ कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी मैंने, ls-l करके फिर से यहाँ पे देखेंगे ls-l, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रीड राइट, राइट के लिए यहाँ पे डैश दिया हुआ है, उसके बाद एग्जीक्यूट दिया हुआ है। ये हुई रीड राइट एग्जीक्यूट, ये पहले ये जो भी होता है वो फाइल है या डायरेक्टरी है वो इंडिकेट करता है। अगर हमने डायरेक्टरी बनाई, मतलब मैं यहाँ पे अगर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ एबीसी नाम की, अगर मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ यहाँ पे ls-l करेंगे तो यहाँ पे एबीसी के लिए यहाँ पे डी दिख रहा है। डी का मीनिंग होता है डायरेक्टरी है। अगर फाइल होती है तो फाइल के लिए यहाँ पे डैश आता है। तो xyz.txt में हमने परमिशन सेट की थी chmod 541xyz.txt। तो 5 मतलब यूजर के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट,
ग्रुप के लिए सिंपल रीड, एग्जीक्यूट और राइट की परमिशन हमने वहां पे दी नहीं थी, और अदर के लिए सिंपल एग्जीक्यूट की परमिशन। तो ये तीन टाइप के परमिशंस, रीड, राइट और एग्जीक्यूट, तीन डिफरेंट यूजर्स के लिए, पहले जो भी ओनर है उसके लिए, उसके बाद जो भी ग्रुप है उसके लिए, और उसके बाद अदर यूजर जो भी है उनके लिए। अगर आपको सभी को सभी परमिशंस देनी है तो सिंपल chmod 777 कीजिएगा, मतलब 777 मतलब रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, तीनों को मतलब ग्रुप को, यूजर को और अदर को, आपको तीनों को परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट के देनी है। तो 777 लिखो और कम फाइल का नाम, जो फाइल को आपको परमिशन सेट करना है। उसके बाद फिर से LSFNL करके देखो, यहाँ पे मुझे हर जगह पे रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड राइट एग्जीक्यूट दिख रहा है। chmod कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। आपको कौन सी भी डायरेक्टरी या फोल्डर को, या आपको कौन सी भी डायरेक्टरी या फाइल को अगर परमिशन सेट करनी है तो chmod कमांड से आप परमिशन सेट करते हो, ये ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ से एक्सेस अगर रेस्ट्रिक्ट करना है पर्टिकुलर फाइल को, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या अदर यूजर्स के लिए, तो chmod कमांड बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड आपके लिए साबित हो सकती है। उसके बाद लास्ट कमांड है दोस्तों passwd। passwd कमांड से आप आपका सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो सिंपल passwd कमांड के लिए आपको एडमिन एक्सेस लगेगा, sudo passwd। passwd कमांड से आप सिस्टम का पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे करंट सिस्टम का पासवर्ड, जो भी हो सिस्टम का करंट पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना होता, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है, लेकिन यहाँ पे वो इको नहीं होता। एंटर न्यू यूनिक्स पासवर्ड, मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ, ये भी यहाँ पे इको नहीं होता, मतलब दिखता नहीं, लेकिन आप टाइप करते जाओ वहाँ पे वो कंटेंट टाइप इको नहीं होते। मैंने यहाँ पे रिटाइप किया पासवर्ड फिर से, और पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली मैसेज मुझे मिल गया, मतलब मैंने न्यू पासवर्ड अपडेट कर दिया है। तो सिंपल passwd कमांड, आपने आपका जो भी करंट यूज़र है आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपका आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हो उस सिस्टम का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी passwd कमांड। इस कमांड से आप करंट सिस्टम का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। अगर आपको लॉगिन करते समय ही अगर दिक्कत आ रही है, आपका पासवर्ड आप भूल गए हो, या फिर आपका फ्रेंड का लैपटॉप आपने लाया उसने आपको पासवर्ड नहीं बताया, आपको पासवर्ड निकालना है, तब भी आप पासवर्ड निकाल सकते हो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं वो वीडियो भी आपके लिए बना सकता हूँ अगर मुझे उसकी रिक्वायरमेंट आई तो। आप किसी भी लिनक्स सिस्टम का पासवर्ड ईजिली क्रैक कर सकते हो, उसके लिए अगर मुझे रिक्वेस्ट आई तो मैं वो वीडियो भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों।